गाइस ये है वो गुरुद्वारा, गुरुद्वारा साहिब। और यहाँ पे भाई देखो रिवर का फ्लो देखो, मतलब इतनी तेज आवाज आने लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने चावल जो पानी में डाला है, वैसे अगर छुए इस पानी को तो ये बिल्कुल ठंडा होता है, पर जैसे अगर हम इसमें चावल डालते हैं एक दो मिनट रुकते हैं तो चावल बिल्कुल पक्के आ जाते हैं। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं, मतलब निकल रहे हैं, जस्ट गाड़ी में बैठ रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, गाड़ी वाड़ी बैक करवा दी हमने और हम निकल रहे हैं मणिकरण के लिए। तो यहाँ से मणिकरण पहुँचते हैं, देखते हैं क्या कुछ सीन है वहाँ पे। बेल्ट लगा लेते हैं, बेल्ट यार फर्स्ट सेफ्टी है अपनी, ठीक है, प्रायोरिटी होनी चाहिए तो सबकी। लेट्स गो। तो भाई अब निकल चुके हैं कसोल से और जा रहे हैं मणिकरण में। और मणिकरण का भाई रास्ता बहुत ख़राब है, अगर आप लोग भी मणिकरण आते हैं तो मणिकरण आए तो अपना देख कर आएँ, क्योंकि बरसात के दिनों में क्या रास्ता बहुत ख़राब है और पूरा पूरा जाम लग रहा है। अभी हम भी आधे घंटे में निकले हैं और आप देख रहे हो आगे खच्चर चलने लग रहे हैं, इन्होंने भी ट्रैफिक जाम कर दिया भाई साहब। और भाई ये हॉर्न बजाने से भी नहीं हट रहे। तो मणिकरण हम पहली बार जा रहे हैं, हमें पता नहीं है मणिकरण में क्या क्या है। वहीं जाकर हम देखेंगे कि कौन कौन से स्पॉट हैं जो देखने लायक हैं। पर वहाँ पर एक वो बताया है, एक मंदिर है और एक गुरुद्वारा, ये दो चीज़ें वहाँ पे हमें किसी ने बताई थी कल, क्योंकि कल हम शाम को जो नेचर पार्क है कसोल का वो देखने के लिए आए हुए थे रिवर साइड। तो वहाँ पे हमें कुछ लोग मिले थे, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे दो स्पॉट हैं देखने लिए। बाकी चलते हैं, रास्ता आप देख ही रहे हो, अभी इस टाइम रास्ता बहुत अच्छा आ गया और रास्ता चौड़ा भी, क्योंकि कसोल जो ओल्ड कसोल है वहाँ पर रास्ता छोटा था इसलिए जाम लग रहा था, अभी बिल्कुल ठीक है। तो आइए मिलते हैं मणिकरण में। भाई पहुंच चुके हैं मणिकरण और गाड़ी यहाँ पर लगा दी है। बाकी बहुत तगड़ी तरीके से भाई गाड़ी पार्क हुई हमारी, क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी बिल्कुल ऐसे पार्क हुई थी, यहाँ पे कर दिया। बाकी सामने है गुरुद्वारा तो अब यहाँ से नीचे चलना पड़ेगा हम पैदल पैदल ही। तो भाई ये है वो गुरुद्वारा, गुरुद्वारा साहिब। और यहाँ पे भाई देखो रिवर का फ्लो देखो, मतलब इतनी तेज़ आवाज़ आने लग रही है यहाँ पे, और वहाँ से देखो धुआं उठने लग रहा है भाई, लिटरली पानी में धुआं उठ रहा है, ऐसा लग रहा है गर्म हो पानी। तो भाई क्या ठंडे इलाके में गर्म पानी कैसे हो सकता है? पर देखो यहाँ पे एक चमत्कार ये है कि यहाँ पे अगर आप हाथ डालो तो पानी ठंडा है, पर अगर चावल में कपड़े में चावल लपेट के डालोगे ना तो भाई वो उबल जाएंगे, बिल्कुल पक जाएंगे चावल। तो ये यहाँ का चमत्कार है भाई, मैं तो मणिकरण के धुआ गुरुद्वारे का ये चमत्कार है। तो देखो भाई कितना तेज पानी का भाव है यार, अरे घर कहाँ गए मेरे। भाई मैं इस जगह की बात करता हूँ, आप देख रहे हो वहाँ पे देखो लोग ये डोरी पकड़ के जो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने चावल जो पानी में डाला है, वैसे अगर छुए इस पानी को तो ये बिल्कुल ठंडा होता है, पर जैसे अगर हम इसमें चावल डालते हैं ना एक दो मिनट रुकते हैं तो चावल बिल्कुल पक्के आ जाते हैं। और भाई इसलिए देखो कितनी भीड़ नीचे रखी है, इससे पीछे भी लोग हैं। और भाई ये देखो ये मटकी क्या रख रखी है उन्होंने, हाँ शायद ये भी हो सकता है जो कि लंगर में होता है ना, तभी हमने लंगर खाया। और भाई एक नंबर खाना था यहाँ का। बाकी देखो पानी कैसे खोलने लग रहा है, इसमें से जो भाप उठ रही है इससे आप आइडिया लगा सकते हो। और बादल ऊपर आने लग रहे हैं देखो बारिश के लिए, तो निकलते हैं मनाली के लिए जल्दी से। तो गाइस अभी निकल चुके हैं मणिकरण से और भाई काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, मैं आपको आगे का एक बार दिखा दो, बहुत खड़ी चढ़ाई दे रखी है उन्होंने पार्किंग के लिए नीचे। ये देखो गाइस बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और आने जाने का एक ही रास्ता है बिल्कुल, यहाँ से मुड़ना हमें। और बस पिकअप ना टूटे, बहुत बढ़िया चढ़ गए और आ गए भाई एक बार में रोड पर आ गए हम तो। बहुत बढ़िया रेडी है भी ड्राइवर हो, नाइस, बस यहीं पर रोक लो। मम्मी और माही नीचे रह गई हैं, वो आ रही हैं बस दो मिनट में, तो उनका वेट करते हैं फिर निकलेंगे यहाँ सीधे मनाली। टाइम हो रहा है 12:45, तो कितने बजे तक पहुँच जाएंगे रेडी अराउंड? सुन तो यार ये फंसा था, हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ से 60-70 किलोमीटर, तो कम से कम डेढ़ से दो घंटे लग जाएंगे। डेढ़ से दो घंटे लग जाएंगे हमें पहुँचने में, कोई दिक्कत नहीं है यार, मज़ा आएंगे, अच्छे अच्छे व्यूज़ पड़ने रास्ते में, तो नज़ारे का मतलब रास्तों में जो नज़ारे होंगे वो बढ़िया मज़े उठाएंगे हम। तो गाइस अभी हम निकल चुके थे कसोल से और भुंतर की तरफ हम बढ़ने लग रहे थे,
और रास्ते में थे और भाई देखो फिर से मौसम चढ़ चुका है बारिश का। तो रेडी क्या लगता है मनाली तक जाते जाते बारिश हो जाएगी? हो सकता है भाई हो भी जाए, क्योंकि हम मैंने पिछले महीने एक दो लोगों के मैं ब्लॉग देख रहा था तो वहाँ पर उनकी बारिश मैंने देखी है, वो खुद बताते हैं लगातार मनाली में बारिश हो रही है। गाइस मैं उस साइड का आपको एंगल दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि भाई वहाँ पे ऊपर पहाड़ पे ना बादल छाए हुए हैं, मतलब इसका भाई बहुत क्लियर संकेत है कि भाई यहाँ आगे बारिश मिल सकती है। मैं तो कह रहा हूँ स्नो शावर मिल जाए बहुत मजा आ जाएगा कसम से भाई, जब अगर स्नो होगी तो मजा आ जाएगा। हाँ लेकिन नहीं होगा तो रोहतांग चलेंगे देखने के लिए। हाँ रोहतांग तो जाना ही है। बाकी एक और चीज यार गाइस, अपनी गाड़ी में हमारे जो साइलेंसर है ना गाड़ी का, उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई हमें, वो जैसे अड़के फट गया वो शायद। हाँ वो अड़के फट गया क्योंकि काफी सारे गड्ढे थे यहाँ पे रोड पे, तो यार वो भी हमें करवाना है, तो देखेंगे मनाली में करवाते हैं वो, है ना। इतने अगर बाहर रोड मेन रोड पे भी कोई मिल गया तो करवा लेंगे, क्योंकि आधे घंटे का काम है उसमें, वेल्डिंग करानी है। हाँ सिर्फ वेल्डिंग करानी है, बाकी सब तो सेट चलने लग रहा है। और हमें पेट्रोल, अभी पेट्रोल तो है ना अपने पास, दो पॉइंट है, मनाली में ले लेंगे। हम मनाली में ले लेंगे। बाकी भाई काफी प्यारे प्यारे नजारे रास्ते में आने लग रहे, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इतनी ग्रीनरी है ना पहाड़ों पे, क्या बताऊं गाइस। और इस समय मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है, मैंने अभी बाहर हाथ लगा रखा था तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ बिल्कुल सूने को हो रहा है, इतनी जबरदस्त ठंड हो रही है यहाँ पे। A few moments later. गाइस ये देखो कितने पतले पतले रास्ते आने लग रहे हैं, छोटा सा ये रास्ता और उस पर दोनों साइड से आना जाना, और सामने वो भुंतर वाले हाईवे का वो है ब्रिज, यहीं से यही रास्ता जाके मनाली को कनेक्ट करता है, और ये रास्ता आगे आपको भुंतर, अगर आप वापस उस साइड जाते हो तो भुंतर और क्या कहते हैं पंजाब की साइड आपको ले जाएगा। बाकी भाई देखो सामने व्यू जब देखते हैं तो ऐसी फील आती है हल्की हल्की जैसे हम ऋषिकेश में, जैसे नीचे गंगा बहती है और ऊपर से वो ब्रिज होता है ना डैडी, वो वाली हल्की लगन लग रही है। पर यार मैं तो ये कहूँगा भाई हिमाचल वाले, हिमाचल सरकार ने थोड़ा ये रोड बड़े करने चाहिए, क्योंकि देखो ऐसी चीज में क्या है, एक तो रोड टूटा पड़ा है, दूसरा छोटा भी है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। फीस भी तो ले रहे हैं हिमाचल वाले, टोल भी देते हैं, 100 रुपए का टोल डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं जब आप जो है उसकी तरफ जाते हो कसोल की तरफ, हाँ 100 रुपए का डेवलपमेंट चार्ज लगता है। और भाई बाकी देखो मैं इस व्यू की बात करता हूँ, देखो बादल चढ़ते हुए आ रहे हैं ऊपर, तो भाई काफी तगड़ा हुआ है, और देखो सामने छोटे छोटे उसमें भाई घर बसे हुए, रात में बहुत प्यारा सीन लगता है ये, रात में ऐसा लगता है जैसे सितारे हो, जैसे क्योंकि भाई लाइट जलती है रात के टाइम यहाँ पे, तो सितारों की तरह लगते हैं बिल्कुल ये। मैकेनिक के पास पहुंच गए हैं, बाकी भाई 1.5 घंटा बता रहा यार वेल्डिंग का, तो देखो अब क्या कुछ सीन रहता है यार, वैन केस थे सीन होगा, ऊपर से बारिश आ गई है देखो पूरे उसमें। तो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी हो चुकी है, साइलेंसर में काम था, साइलेंसर में काम हो गया और ऑलमोस्ट चला रखा था, 1 घंटा लगा हमें, ठीक है 3:30 का टाइम हो गया भाई, हम जब वहां से चले थे तो 3:30 का हमें अराइवल दिखा रहा था, पर 3:30 यहीं पे हो गए, कोई नहीं देखते जैसे भी होता है, मनाली तो पहुंचना है ही, बाकी भाई बाहर बादल हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में हमें बारिश मिल जाए या फिर वहाँ पहुंच के मिल जाए, क्योंकि अभी हमें टेंट लगाना है और स्टार्टिंग में टेंट नहीं भीगना चाहिए, कल रात टेंट भीग गया था भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो इस वजह से। गाइस मनाली के रास्ते में थे और मनाली यहाँ से 45 किलोमीटर है, जब देखो मेरे को एक बहुत कमाल की चीज़ उस साइड दिखी, यहाँ पे से राफ्टिंग होती है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड ब्रिज पर चल के ऊपर। गाइस ये देखो ये है वो जगह जहाँ से राफ्टिंग होती है, देखो आपको वहाँ पे वो दिख रही होगी, वो देखो वो करा रहे, और ये एक और तो ये कुल्लू की ये जगह पे है जहाँ पे भाई काफ़ी सारी आपको दुकान दिख जाएंगी, जहाँ आप अपने घर से भी बुकिंग करा सकते हो, यहाँ डायरेक्ट यहाँ की बुकिंग कर सकते हो, बस थोड़ा एडवांस पेमेंट लेते हैं, थोड़ा हाई वो होती है। और भाई देखो भाव कितना तेज है यार इसका, देखिए यहाँ पे राफ्टिंग होने लग रही है, हाँ राफ्टिंग हो रही है यहाँ पे, ये देखो ये करवा रहे हैं पर 3 जने, और गाइस यहाँ पे वैसे रिस्क फैक्टर बहुत होता है राफ्टिंग का, गिर गिरा भी जाते हैं लोग, और इतना प्यारा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो बहुत प्यारा लग रहा है यार। गाइस अब ये है सबसे तगड़ी चीज़, देखो वहाँ से आ रही है वो राफ्टिंग करते हुए लोग आ रहे हैं 2-3, और यहाँ पे रैपिड बन रखा है, अब यहाँ पे देखना क्या सीन होता है, ये चीज़ है देखने लायक, है ना, क्या होगा डैडी आपको क्या लगता है? इसी रैपिड में तो नाव पलट जाती है, मैंने कई बार देखा, मैंने दो नाव अपनी लाइफ में दो नाव देखे पलटती हुई। अच्छा ओ ये देखो देखो उछली देखो पूरी वही देखो, ज़्यादा कुछ ज़्यादा तेज नहीं है डैडी रैपिड, है ना, ज़्यादा भाव नहीं था इतना, है ना, रैपिड में फंसा ही नहीं, वही तो गाइस।